सीएम भूपेश बघेल रायगढ़ की जीवनदायिनी कही जाने वाली किलो नदी की महाआरती करेंगे। महोत्सव के आखिरी दिन विदेशी रामायण मंडली के साथ ही चार राज्यों की रामायण मंडलियां अपनी प्रस्तुति देंगी। कार्यक्रम की देर शाम भजन संध्या का आयोजन किया गया है, जिसमें कवि कुमार विश्वास और लोक गायिका मैथिली ठाकुर अपनी प्रस्तुति देंगी। महोत्सव के अंतिम दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। चलिए एक बार जोरदार ताली बजा के बजरंगबली को और प्रभु श्री राम जिसके लिए थोड़ा जोर से बजा दो यार। क्या बात, पीछे ये बात। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया कि और गाऊं, गाना है कि जाना है? ताली बजा के बताओ यार, मेरे को लग रहा है कि ये तो रायगढ़ ही वाला है, ज्यादा नहीं सुनेंगे। ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना भैया, थोड़ा ट्रेवल दो ना। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।
चंद्रखुरी के कौशल्या माई तेरी सदा ही जय। देखिए एक साथ तीन भजन मैं गाऊंगा जो तकरीबन 20 सालों से आप लोग सुन रहे हो। जब भी दुर्गा पूजा में रायगढ़ में घूमते होगे तो कहीं ना कहीं बजते हुए ये मिल ही जाएगा। पथरा के देवता, आमापान की पत्री और नाचे जो बब्बर शेर, ये तीनों को नहीं गाना है क्या? कोई ताली नहीं बजाया माने ये तीनों भजन? अच्छा गाना है। इसके लिए मेरे को जबलपुर से जो बब्बर शेर आज रायगढ़ के इस रामायण महोत्सव में आए हुए हैं, वो बब्बर शेर की भी जरूरत पड़ेगी। एक बार उस सबरी माई के लिए तो रायगढ़